नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आइए देखें हमारी खास रिपोर्ट। इमरान खान हाथ में आओ। मैं पहले तो शहीदों को नमन करता हूँ जो उग्रवादी आतंकवादियों ने ये काम करा है, और जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हैं और जो उनको पना देते हैं वो उससे बड़े आतंकवादी हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ ऐसे भेड़ियों को तुरंत इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए, और कश्मीर से इन भेड़ियों को निकालोगे जब ही हमारा देश सुरक्षित रहेगा। मेरी सब भाइयों से विनती है कि हम पाकिस्तान जो एक आतंकवादी देश है उसको आतंकवादी देश घोषित करो, और जो भेड़िए हैं उनको सहायता बंद करो। हमारे लोगों से यही विनती है कि ऐसे पाकिस्तान को यहाँ से निकालो, और यहाँ भेड़िए हैं जो यहाँ के गद्दार हैं उनको हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजो, और उनको जूते मार के यहाँ से भगाओ। मेरी सब भाइयों से हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब पाकिस्तान ही खत्म होने वाले। अभी एक यहाँ पे एक लड़का मिला था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, उसको सारे पब्लिक धक्का मारते हुए ले गए यहाँ से, पुलिस उसको गाड़ी में ले गई। ये 1:30 बजे की बात, क्या कहेंगे आप? देखिए अब वक्त आ गया है, यहाँ पर जो भी किसी, आप देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारा नमक खा के और दूसरे पाकिस्तान मुल्क का नारा जो भी देगा उसको एक सहज, आज पूरा 130 करोड़ आबादी ये मान के चल रही है कि उसको जो भी जिस रूप में उसको मिलता है उसको खदेड़, क्योंकि हम अब तक इसके बाद बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कश्मीरी विस्थापित की तरफ से हमारा आज ये सामूहिक आप प्रदर्शन इस चीज़ के लिए है। ये एक वार्निंग है कश्मीर के हर मुसलमान को, या तो वो प्रूव करे वो हमारे साथ है या वो उनके साथ। ये वक्त वो आ चुका है कि हमारी कैजुअलिटीज जो हमारी हो गई ये मिली भगत से हुआ है, ये किसी ऐसे जगह, वो घर के शहर है, अगर उन्होंने इतना यहाँ पर सब चीज डबल चीज ले रहे हैं, सब फायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ से जो स्लीपर सेल है ये इनको मैसेज हम यहाँ से देना चाहते हैं, आप यहाँ से 24 घंटे में जहाँ पर भी कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, या तो अपने आप को आप डीसी डिविजनल कमिश्नर के पास प्रूव करो हम इंडियन है, एक लिखित एक एफिडेविट दे दीजिए आप कि हम हिंदुस्तान के साथ है, वरना किसी कश्मीरी मुस्लिम को जिस तरह से, जिस बेदर्दी से, एक सुनियोजित तरीके से वहां पर असला इकट्ठा करके एक आईडी ब्लास्ट करा गया 300 किलोग्राम का आरडीएक्स इकट्ठा करना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। जब तक कि इसमें लोकल स्थानीय रूप से पूरी मदद न दी गई हो, तो इसीलिए मेरा कहना है हम कश्मीरी विस्थापित ने 30 साल से इसको भुगता है, और हमने उस टाइम कहा था ये अगर आज आप कंट्रोल नहीं करेंगे ये कैंसर की तरह पूरी बॉडी में आज आ चुका है। हमारी संवेदना उन सिक्योरिटी फोर्सेस से हैं जो वहां तत्पर है, जो अपने घर बार छोड़ के वो बेचारे अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ देश निछावर करने के लिए, आप इमेजिन कीजिए एक एक आदमी, हम इस टाइम ऐसे सोच रहे हैं जैसे हमारी लाश वहां पर पड़ी है और हमारा साथ ब्लास्ट हुआ। हम इस तरीके से इसको लेना चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी को अपने ऊपर ये गर्व होना चाहिए कि अगर उन बिचारों ने हमारे लिए भी जान दी है, हमारा फर्ज बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अडॉप्ट करे, उनकी सारी घर की जो भी उनकी जिम्मेवारी है उनको अडॉप्शन करके उनका देख रेख करके, हमारा हौसला इससे कम नहीं होगा। ये गुरिल्ला वार है, वो छुपके वार कर रहे हैं, उसके कितनी माँ का दूध नहीं पिया जो आमने सामने के साथ हमारा मुकाबला कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे 330 करोड़ आबादी की जो सारे हिंदुस्तानी है, मुझे उसका नहीं पता जो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ रह के कह रहा है, मैं कहता हूँ ये सिविल, ये सिविल, ये सिविल वॉर है। हर हिंदुस्तानी को हक है जो यहाँ पर एंटी एंटी नेशनल, जो यहाँ पर अलगाववाद, आप उसको बेतोड़ होके उसको खत्म कीजिए, जिसकी एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं सर स्टूडेंट से अपने कॉलेजों में जो भी आपको अलगाववाद की गतिविधि में प्राप्त होता है, एक नेबरिंग आप मॉरल पुलिसिंग करिए कि हमारे देश में छुपकर हमारे को और हमारा नमक खा के हमारी मुखबरी विदेश के पाकिस्तान को या किसी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर इसलिए छोड़ा नहीं, उनको पता था कि ये जो है जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विल नहीं होगी
इसको कंट्रोल करने की, ये आग बुझने वाली थी, आज उसी का नतीजा है। हम आज भी वार्न करते हैं, जिस आदमी को भी किसी आदमी पर शक और एंटी आंटी नेशनल एक्टिविटी करते हुए पाया जाए, चाहे वो किराएदार के रूप में है, चाहे देखो हमारे साथ पठानकोट हुआ, पार्लियामेंट हुआ, हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, मगर हम मिलजुल के इनको हमेशा टॉलरेट करते। आज जम्मू में 3 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, किस बात पे कर्फ्यू लगा है, क्यों? अब जो जिन्होंने साथ दिया है उनको अपना अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान में वही रहेगा जो एक प्रज्ञात पत्र पर एक एफिडेविट पर लिख के देगा मैं हिंदुस्तानी हूँ। आप इन पर पूरी जो है हर नागरिक का फर्ज बनता है, एक एक आदमी को जांच पड़ताल करे, किसी शक शुबा में अगर कोई भी पाया जाता है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई ली जाए, और उस कार्रवाई के बाद उस पर कोई कार्रवाई FIR कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम उन 49 जवानों को जिन्होंने अपना सर्वोत्तर बलिदान अपनी जान के रूप में और एक धोखे के तहत उनको मारा गया, यही शब्दों के साथ हमारी श्रद्धांजलि कश्मीरी पंडितों की तरफ से है। वंदे मातरम। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये वार्निंग दे रहे हैं हम कश्मीरी मुसलमान को, आइदर यू रिमेन विद अस और यू शो विद दिस कंट्री यू आर। अपना एफिडेविट दीजिए कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, उसके बाद हम आपके गारंटर हैं, अदरवाइज हम किसी कश्मीरी मुसलमान के इस पूरे हिंदुस्तान में वो जहां पर भी कारोबार या जहां भी पढ़ रहा है या उसके बच्चे, ये प्रूव करके देना पड़ेगा हर हिंदुस्तानी को कि हम जो है हिंदुस्तान के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। यहां पर कश्मीरी पंडित समाज और अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से हम पाकिस्तान का झंडा और आतंकवाद का पुतला जलाने आए हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को ज्ञापन देकर के उनसे मांग करने आए हैं कि अब बहुत हो चुका है, 72 वर्षों से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से भारत पीड़ित है, और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान पर सैन्य हमला करके उसका अस्तित्व विश्व के मानचित्र से मिटा दो और पाकिस्तान को भारत में मिला करके पुनः भारत अखंड बना दो, और इसी मांग को लेकर के अभी हम ज्ञापन देने जाएंगे। जय हिंदू राज जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की। आज जो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है, इस हमले में मेरे एक भाई भी शहीद हुआ है। मित्रों मैं एक ही बात कहूंगा, मैं आज नहीं बोलूंगा, आज जो पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया, मैं उस पाकिस्तान के इस झंडे को दिखाते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा हूँ, यदि उनने ही अब पर नहीं सुधार लाया तो जिस तरह इस झंडे को मैं जलाऊंगा, ठीक उसी तरह से उन सुअर के बच्चों को भी जलाऊंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का झंडा क्या है, हिंदू महासभा के पदाधिकारी है, आतंकवाद का पुतला जलाया जा रहा है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NSP न्यूज, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कश्मीरी पंडित समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्मीरी पंडित समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्मीरी समाज पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लोगों में गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ है, वो अपने जवानों का बदला किसी भी हाल में लेने के लिए उतरे हुए हैं मैदान में, आप देख सकते हैं।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 भारत जिंदाबाद 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 भारत जिंदाबाद 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 भारत माता की जय 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 Maro salo.
आतंकवाद मरा कर दो सालों को। ये इमरान खान है, ये जैसे मैं बनाए मोमेंट। मैं एक किडनी अपनी फौज के लिए देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी